जैसा कि आप जानते हैं कि जब से कोविड की सेकेंड वेव यहाँ पे आई है, तब से हमने जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारे उन पेशेंट्स को मिलनी चाहिए थी जो खासकर पॉजिटिव हुए, और उसको लेके पहले दिन से ही हमने यहाँ लोगों को जो सुविधाएं सरकार या प्रशासन की तरफ से मिली उसका भी हमने ज़िक्र किया, और यहाँ पे नहीं मिली उसका भी हमने ज़िक्र किया है। आज की प्रेस वार्ता का खास मकसद है कि जब पिछले महीने हमारा ऑक्सीजन प्लांट का जो मशीनरी थी, जो इक्विपमेंट थे, वो यहाँ आने के बाद यहाँ से शिफ्ट कर दिए जाते हैं, और जिसके बाद हमने इस मसले को उठाया और ये लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त आक्रोश जिला उधमपुर के लोगों के अंदर हुआ, और जिसकी वजह से प्रशासन ने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए कि ये हमारे पास जो मशीनरी आई थी ये छोटे प्लांट के लिए थी, इसलिए यहाँ से इसको शिफ्ट किया गया है। और ये भी कहा गया कि पहले हफ्ते यानी कि जून के पहले हफ्ते यानी कि जून महीने की 7 तारीख से पहले पहले वो बड़ी मशीनरी यहाँ पे वापस आएगी और प्लांट आपका फंक्शनल होगा। लेकिन हम यहाँ पूछना चाहते हैं यहाँ की सरकार से, प्रशासन से, कि आज 9 तारीख है, आपने 7 तारीख की डेट दी थी, आज 9 तारीख है और 9 तारीख तक अभी भी ऑक्सीजन प्लांट का कोई अता पता नहीं है, जबकि आज से कोई 4 दिन पहले एक खबर फिर से मीडिया में आई कि कश्मीर के अंदर 9 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो हैं कश्मीर के अंदर जर्मनी से जो आए उनको उतारा गया, और 4 दिन से उधमपुर में आने में मुझे लगता है कि यहाँ 7-8 घंटे में कोई भी चीज़ कश्मीर से उधमपुर तक आ सकती है, 10 घंटे लगा लो, लेकिन आज 4th दिन है। और जो कमिटमेंट उधमपुर के लोगों के साथ की गई थी कि 7 तारीख से पहले ये स्टार्ट होगा, यहाँ मशीनरी आएगी, लेकिन एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से झूठ बोला गया और झूठा साबित हुआ हमारा प्रशासन। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम जो मशीनरी हमारे पास थी उसको आप लगा लेते, चाहे वो छोटा था। वैसे भी सरकार ने ये कहा कि हर हॉस्पिटल के अंदर 2 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, ताकि एक अगर ख़राब होता है तो दूसरा फंक्शनल रहेगा। तो क्या हमारे उधमपुर जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? क्या उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है या डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, ये जम्मू कश्मीर के जो हमारी यूटी है उसका एक पार्ट नहीं है? अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-2 लगाए जाते हैं और हमारा उठा के लिया जाता है और दूसरा भी नहीं आता है, क्या हमारे लोगों के साथ ज्यादा नहीं है? और आज अगर बात करें कोविड की सेकेंड वेव ऑलमोस्ट काफ़ी डाउन चली गई है, काफ़ी निचले स्तर पर आ गई है, अभी इतनी घबराहट, इतनी परेशानी, इतनी टेंशन, इतना लोगों के दिमाग पे ऊपर बोझ कोविड का नहीं है। जब चाहिए था और उस समय जब यहाँ से हमारा प्लांट उठाया गया उस समय अफरा तफरी का माहौल था, हर इंसान को लगता था कि अगर मैं पॉजिटिव हुआ तो मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से मेरी जान जा सकती है। और मेरे पास कई एग्जाम्पल्स हैं, लोग कोविड पॉजिटिव होने की वजह से, उसके प्रेशर से, उसके डर से कई लोगों की जान चली गई, उसके हमारे पास उदाहरण है। तो आज अगर वे भी कम हो गई, आज ज़रूरत के मौके पे हमें अगर प्लांट नहीं मिलता है और फिर दोबारा हमारे से झूठ बोला जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, और मैं चाहता हूं कि प्रशासन इसका लोगों को जवाब दे, प्रशासन इस अकाउंटेबल है, जवाब दे लोगों को कि क्यों हमारे साथ झूठ पे झूठ बोला जा रहा है उधमपुर के लोगों के साथ। जी देखिए, हमारा बिल्कुल शुरू से जब से हमने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कदम रखा, उससे भी पहले की बात करें, हमारी एनजीओ की तरफ से भी हमारे शुरू से मुद्दा रहा है कि जम्मू को अलग से स्टेट बनाना चाहिए, जम्मू अलग स्टेट बननी चाहिए, क्योंकि जब तक जम्मू अलग स्टेट नहीं बनती है तब तक ना तो कश्मीर में शांति हो सकती है और ना जम्मू के लोगों को उनका अधिकार मिल सकता है, यहाँ के नौजवानों को उनका रोज़गार में अधिकार नहीं मिल सकता, यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट में उनका हिस्सा नहीं मिल सकता, हमारे लोगों को पॉलिटिकल हिस्सेदारी यह जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं मिल सकती जब तक जम्मू को अलग स्टेट नहीं का दर्जा नहीं दिया जाता। इसलिए हमारा स्टैंड क्लियर है और हम ये कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, वक्त है, समय बिल्कुल, जब मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक समय है,
इस समय केंद्र को अनाउंस करना चाहिए कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, ताकि जो जम्मू के देशभक्त लोग हैं जिन्होंने अक्सर अपनी कुर्बानी दी है या आगे देने के लिए देश के हक में हमेशा अपनी कुर्बानी देने के लिए आगे भी खड़े हैं, उन देशभक्त लोगों का जो एक पुरानी मांग है, उनका जायज़ मांग है, उनका अधिकार बनता है, इसलिए जम्मू को अलग स्टेट घोषित किया जाए। ये बिल्कुल राइट टाइम है जम्मू को अलग स्टेट घोषित करने। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।